क्या विंडोज 12 आने वाली है? माइक्रोसॉफ्ट अपनी अपडेट साइकिल में कुछ मेजर चेंजेस लाया है जिससे कि यह प्रतीत होता है कि विंडोज 12 ऑलरेडी आने वाली है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज 10 वाले विंडोज में दो अपडेट्स देता था हर साल, एक विंटर में और एक स्प्रिंग में। विंडोज 11 अनाउंस होने के बाद उन्होंने बोला कि सिर्फ एक अपडेट देंगे पर ईयर विंडोज 10 का और दो अपडेट्स देंगे विंडोज 11 के पर ईयर। बट अब रिसेंट न्यूज ये आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक अपडेट देगा एक साल में विंडोज 11 के भी और विंडोज 10 के भी। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 2.1.2 रिलीज किया है जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है और इससे ये प्रतीत होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के डेवलपमेंट को दबा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 के डेवलपमेंट को किल करना और विंडोज 11 के डेवलपमेंट पे फोकस करना ये बताता है कि फ्यूचर में हमारे पास विंडोज 12 भी आने वाली है। और इस फील्ड के जाने माने एक्सपर्ट्स की माने तो विंडोज 12 हमारे पास 2025 तक आ जाएगी।